चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश के कई मंत्री काम में जुट गए हैं। ऐसे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कान्हा नदी के शुद्धिकरण के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद भाजपा को मिली बंपर जीत का जश्न मनाए बगैर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में कामकाज की बागडोर संभाल ली है। उन्होंने जीत की बधाई तो दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कान्हा नदी के शुद्धिकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। नतीजों के अगले दिन बुधवार को उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। वे सुबह इंदौर से निकले, कान्हा नदी का निरीक्षण कर अधिकारियों से चर्चा की और नदी के शुद्धिकरण के जरूरी निर्देश उन्हें दिए। बारिश से पहले कान्हा नदी का शुद्धिकरण हो जाए, इसका टारगेट भी अधिकारियों को दिया गया। शिल्ट भरी हुई है, मेरा ख्याल है कि अगर बरसात के पहले इसको आपने सफाई नहीं करवाई तो पूरा पूर हो जाएगा, पानी भरेगा फिर बस्तियों के अंदर, इससे जुड़ी हुई जो नीचे की बस्ती है उसमें पानी भरेगा। ये बिल्कुल छतरी के पास, छतरी के जो अपनी है ना, राजवाड़े की छतरी है, जो कृष्णपुरा छतरी जिसको बोलते हैं, उसके बिल्कुल वहीं पर मैं वृक्षारोपण करने आया था। इस नाले को देखा मैंने, इसमें सफाई की जरूरत है। ये गोलू शुक्ला जी विधायक जी आपसे बात करेंगे, जरा यहाँ पर मशीनें लगा कर और इसकी सफाई करवाइए, बहुत खराब हो रहा है ये। बुला लेते हैं एक बार। और क्या बरसात के पहले अगर कर लेंगे तो बस्तियों में पानी नहीं घुसेगा, नहीं तो इसका पानी बस्तियों में घुसेगा और फिर हमें परेशानी।